सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड सबसे पहले फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फिंगर को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे फिंगर की लेंथ पूरी की पूरी स्ट्रांग है, इवन आपकी हथेली से ज़्यादा लंबी है। तो इस कंडीशन में ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, लॉन्ग टर्म बेसिस पे थिंकिंग, यहाँ पर एबिलिटीज देखने को मिलना, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क करना तो अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेना, ओवरऑल और पेशेंस जो लेवल होता है वो भी इवन बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, लड़ाई झगड़ा झंझट इन सारी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं, किसी भी प्रकार की बहसबाजी मुँह बोली इन सारी चीज़ों से भी दूर देखने को मिलते हैं। तो ये जो फिंगर्स की लेंथ जब लॉन्ग रहती है तो ये सारी बातें तो बहुत अच्छी रहती है। एक दिक्कत ये रहता है कि डिसीजन लेने में देरी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि एनालिसिस ज़्यादा करते हैं या जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। यही एकमात्र रीज़न है कि अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में आता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई मरतबा वो हाथ से निकल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा जो है फास्ट अगर यहाँ पर आप डिसीजन लेंगे या इंस्टेंट वर्क करेंगे अपने थॉट्स के ऊपर, तो और ज़्यादा शुभ परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच रहा है, तो इस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। यानी जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है, तो आपका काम ऐसा रहेगा कि कोई आपके ऊपर उंगली ही ना उठा सके। बस यहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन का दिक्कत दिख रहा है, जब उस पर आएंगे तो उस पर बात किया जाएगा डिटेल में। बाकी थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के यानी खुद के द्वारा इनिशिएटिव लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं आप, जैसे जातक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के देखने को मिलते हैं। इसलिए जो भी कुछ कर पाते हैं जीवन में सब खुद के एफर्ट्स, मेहनत और एक प्रकार से जुनूनियत के द्वारा ही। अब जो ये फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है तो ये डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को यहाँ दर्शाता है। इस कंडीशन में ज़्यादा ईगो एटीट्यूड टाइप ऑफ क्लैशेस देखने को नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी कर देता है। फैमिली और मैरिड लाइफ दोनों अलग होता है इस कंडीशन में। फैमिली से उतना ज़्यादा एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता है, जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं उतना नहीं मिल पाता है। अदरवाइज यहाँ देखें तो फर्स्ट और जब सेकंड फिंगर कंजंक्ट हो तो ये अध्यात्म के प्रति रुचि को दर्शाता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये देता है। फिंगर के बीच में बनने वाला गैप एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर और अप्रोच देता है। इस कंडीशन में खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पैसा जीवन में ठीक रहता है, धन संचय यानी सेविंग्स करने में ट्रबल आता है। वहीं आपके फिंगर के ऊपर यहाँ आड़ी रेखा मौजूद ज़्यादा है। ये फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते नाते अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं आपके द्वारा या सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कि वो रिलेशन ज़्यादा लॉन्ग टाइम या इतना फ्रीली रन नहीं कर पाता है। वैसा क्यों होता है आगे इस विषय में चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ देखें तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड तो हैं, लेकिन बीच बीच में इसमें रेखा भी है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है आपको डिसीजन कोई भी लेने में या कोई भी प्लानिंग करने में। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सजेशन की आवश्यकता डेफिनेटली लगेगा ही। और यहाँ पर देखें तो आपका जो फैलेंजेस है वो यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स हालांकि डेवलप ठीक जा रहा है। इस प्रकार का इंटरनल मार्स स्टेमिना एनर्जी ठीक दे देता है, तो कोई बहुत मेजर हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं रहता है। थंब का साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, डायरेक्ट यानी जो सच है उसका साथ देना ज़्यादा पसंद करते हैं, घुमा फिरा करके बातचीत करना सुनना पसंद ही नहीं होता है। आप जैसे जातक झूठ भी जल्दी पकड़ लेते हैं और जो मीठी बोली का उपयोग कर रहा है या एक प्रकार से चढ़ा रहा है चने की झाड़ पर बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों को कान के पक्के होते हैं यानी लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होते हैं। वहीं जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कुल मिलाकर के थोड़ा सा कम है, तो ये फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर एटीट्यूड भी देगा। समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग के अंदर चेंजेस कर लेना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। यहाँ पर भी योग का चिन्ह सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन अच्छा देता है, पैसा भी इवन अच्छा देता है लेकिन रुकता नहीं है। फर्स्ट फिलेंस के लिए स्ट्रांग है, तो इस कारण से विल पावर आपका स्ट्रांग है, जो ठानेंगे एक बार वो करके दिखाएंगे। और यहाँ पर पाम का साइज प्योर स्क्वेयरिश में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक
हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहेगा। नीचे का एरिया आपका डेवलप परफेक्ट है, इस प्रकार का जो नीचे का एरिया डेवलप्ड होता है ये कुल मिलाकर के एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक अधिकतर काम खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक ही करना पसंद करते हैं। हर काम में कहीं ना कहीं खुद का एक प्रकार से यहाँ पर क्रिएटिविटी लगाने वाले देखने को मिलते हैं। नीचे का एरिया डेवलप्ड हो तो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्क किया जाए उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ मिलता है, क्योंकि ऊपर का एरिया इतना डेवलप नहीं है तो कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क या दब करके खास कर नहीं रह सकते हैं। और जैसे जुपिटर की स्थिति, यहाँ पर बड़ी कम एरिया ले रहा है जुपिटर, तो जुपिटर जब कम एरिया लेता है तो फैमिली से दूर रहने का योग बनता है, नहीं तो फैमिली के सुखों में कमी आती ही है। लेकिन यहाँ आपका एक रेक्टेंगल का साइन क्रिएट हुआ है और ज़्यादा होना बाकी है, तो ये जो रेक्टेंगल का साइन है सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को दर्शाता है। इस कंडीशन में मैरिड लाइफ के बाद यानी मैरिज के जस्ट बाद में प्रॉपर्टी वेल्थ है लाइफ में बढ़ने लगता है, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल के या ट्रायंगल या स्क्वायर के जो साइंस होते हैं सब प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। तो ये जुपिटर के ऊपर विराजमान होता है तो फैमिली सुख तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैरिड लाइफ में तमाम तरह का सुख आपको मिलेगा, बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, करियर वाइज प्रमोशन ग्रोथ और अच्छा देखने को मिलेगा, मनी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन लाइफ में होने लग जाती है। तो इसीलिए ये साइन यहाँ पर बेस्ट इंडिकेट एट द एंड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आप थोड़े सिंपैथेटिक नेचर के भी रहेंगे, क्योंकि ये जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, ये व्यक्ति को पेट लवर, एनिमल लवर, सोशल वर्कर ये सब में भी इन्वॉल्व करने वाला रहता है। तो ये साइन बेस्ट यहाँ शो हुआ है। सैटर्न की स्थिति की बात करें तो सैटर्न की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, और फेट लाइन यहाँ पर देखेंगे तो डबल फेट लाइन यहाँ पर आपकी स्टार्ट हुई है। पहले तो केतु के क्षेत्र से वी सिंबल से रेखा निकली जो अच्छे खासे घर परिवार में बर्थ होने के योगों को दर्शाता है। अब यहाँ पर फेट लाइन ये कंटिन्यू गई, इससे भी स्ट्रॉन्ग लाइन मून लक लाइन अवेलेबल है। मून लक लाइन जन्म स्थान से दूर लेकर के जाती है, बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्शन अच्छे होते हैं, मदर से अटैचमेंट ज़्यादा या सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है, वहीं आफ्टर मैरिज भी लक बढ़ने वाला रहता है। मन की ज़्यादा करते हैं, मन की ज़्यादा सुनते हैं, यही रेखा यहाँ पर ओवरलैप करते हुए देखने को मिल रही है आपके अराउंड 33 और 34 के एज में। तो इस एज में प्रोफेशनल और करियर वाइज और ज़्यादा प्रमोशन ग्रोथ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगा। फिर ये रेखा यहाँ पर डायरेक्ट आपके हार्ट लाइन पर आकर के रुकी, ओवरलैप करके रेखा यहाँ पर सीधे फिर जुपिटर सूर्य की तरफ जा रही है। सूर्य की तरफ जब जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा लाभ मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर जो दिक्कत आ रहा है वो सिर्फ इतना आ रहा है कि सैटर्न पर आपकी आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी है। सैटर्न की आड़ी रेखा मूड स्विंग का इशू देती है, जिसके अंतर्गत इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन और चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली दो प्रकार के साइन अवेलेबल हैं आपके शनि और सूर्य के बीच में। वो दो साइन ये है कि यहाँ पर एक प्योरली क्रॉस का साइन अवेलेबल है, और इसके अलावा यहाँ पर धीरे धीरे कर अब जो है स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होने लग रहा है। ये जो क्रॉस का साइन होता है ये दर्शाता है कि आप अपने फादर के अगेंस्ट जाकर के कोई काम करेंगे, या फादर से रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद, तनाव या वैचारिक मतभेद, दूरियाँ देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अब जो ये स्क्वायर का साइन यहाँ पर बनने आपका लग रहा है ये प्रोटेक्शन का साइन हो जाता है। इस कंडीशन में एक्सीडेंट से व्यक्ति बचता है, धन जीवन में अच्छा बढ़ने लगता है, और जो ड्रीम डिजायर एम्बिशन है वो धीरे धीरे कर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपका सूर्य यही नहीं और भी जगह डिस्टर्ब है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सनलाइन एकदम सही जा रहा है, यानी आप अपने वर्क को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वर्कोहोलिक नेचर है और नेम रिस्पेक्ट के भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि आड़ी रेखा एक यहाँ नीचे से आई, दूसरी तीसरी आड़ी रेखा ऊपर से काट के गई। तो इसीलिए ये लाइफ में हर प्रकार का बैरियर, ट्रबल, प्रॉब्लम देता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आसानी से बनेगा, आपके हर काम के बीच में चुनौतियाँ डेफिनेटली ये देने वाला रहता है, इसीलिए रुक रुक करके काम भी इस कंडीशन में बनते हैं। दूसरा पॉइंट कि ये आपके जॉब को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए बार बार जॉब में फ्लक्चुएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ये रहता है कि कई मरतबा ये रहता है कि अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, मिसगाइड या मिसयूज़ किया जाता है। इस कंडीशन में आप चाहे किसी के लिए कितना कुछ क्यों ना कर दे लेकिन कभी क्रेडिट नहीं मिल पाता है, या किसी भी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, मेहनत आप करते क्रेडिट कोई और ले जाता है, ऐसा भी वर्क प्लेस पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेनली आपको सन रेमेडी करना होगा, तब जाकर के प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये या सबसे मेन
मनी, वेल्थ, इनकम, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मरकरी के ऊपर भी है। मरकरी के ऊपर क्या है कि मरकरी जितनी सीधी खड़ी रेखाओं के साथ हो उतने व्यक्ति का बोली मीठा होता है या अपने बातों से इजिली किसी को कन्विंस कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन वही जब यहाँ पर आड़ी रेखा आ जाती है तो ये कम्युनिकेशन में ट्रबल देता है। इस कंडीशन में आप कभी किसी को बुरा कहना नहीं चाहते लेकिन मुँह से निकल जाता है, यस बोलते कुछ हो रहे, सामने वाला समझता कुछ हो रहे। तो इस कंडीशन में जो है कम्युनिकेशन के द्वारा रिलेशन में ट्रबल दे देता है। क्योंकि जब जब मैंने देखा है कि जिनका मरकरी माउंट पे आड़ी रेखा है ऐसे जातकों का इनके वाणी के कारण रिलेशन में ट्रबल प्रॉब्लम आता है और एक प्रकार का कटु वचन भी देखने को मिलता है, थोड़ा वाणी दोष होता है। ऐसा कुछ भी है तो मुझे इन्फॉर्म करें ताकि इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको रेमेडी दे सकूँ। क्योंकि यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखा है लेकिन वहीं एक पॉजिटिव साइन भी क्रिएट हुआ है और वो है यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन। तो स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर प्रोटेक्शन का ही साइन होता है। इस कंडीशन में चाहे आप किसी के लिए ख़राब बोल दें या एक प्रकार से सामने वाला ख़राब भी समझ जाए लेकिन वो आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये इस केस में होता है। क्योंकि जो मरकरी है वो कारक होता है आपकी इंटेलिजेंसी का, तो बातों को घुमाने की आदत या बातों में फंसा लेने की आदत देखने को अच्छी मिलती है क्योंकि इंटेलिजेंसी अच्छी होती है। मल्टीटास्किंग नेचर भी ये देता है यहाँ पर। और इसके अलावा देखा जाए तो स्क्वायर का साइन मरकरी पे ओल्ड एज में भी इनकम अच्छी देता है। तो ओवरऑल मनी के रिगार्डिंग ये कोई भी ऐसी ट्रबल या दिक्कत परेशानी नहीं देता, इवन कंसल्टेंसी के माध्यम से भी लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए वाइस वर्सा यहाँ पर योग है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो रहा है। तो इसीलिए मुझे इन्फॉर्म करें कि प्रेजेंट कंडीशन आपके जो है सन माउंट और मरकरी माउंट का जो एनालिसिस किया गया इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर होगी तो उसका रेमेडी करना होगा और नहीं है तो अब धीरे धीरे सुधार इसमें हो रहा है। और अभी थोड़ा सन तो आपको डिस्टर्ब कन्फर्मली दिखे रहा है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो हृदयरेखा के अंत में गोंपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में लाइफ में चाहे कितना भी ट्रबल प्रॉब्लम क्यों ना हो अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले देखने को मिलते हैं और इवन माता पिता के भी अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलता है इस कंडीशन में। इसके अलावा जो हृदय रेखा है उसमें बार बार चेंजेस हो रहा है, मल्टीपल्स लाइन चल रही है, तो इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते क्योंकि सुबह जो चीज़ अच्छी लगती है शाम को वो चीज़ ख़राब भी लगती है। इतना ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन या चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को कोई भी जज नहीं कर सकता है कि कौन सी बात अच्छी लग जाए या कौन सी बात बुरी लग जाए। यहाँ हृदय रेखा सीधे जुपिटर तक जा रहा है जो कि इमोशनल नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशंस, सेंटिमेंट्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलना, ये भी आपके अंदर रहेगा। और वहीं यहाँ से कुछ शाखा नीचे भी निकल के जा रही है तो ऐसा है कि उम्र 23 और 4 तक आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे, फिर एग्रेशन उसके बाद आपका धीरे धीरे करके कम हो गया। ऑनेस्ट, लॉयल, ईमानदार व्यक्तित्व होने के कारण ही जो व्यक्ति आपको समझेगा वो फायदे में रहेगा क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बहुत हद तक कुछ कर गुजर जाने वाले भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि माइंड लाइन का फ्लो ठीक है लेकिन ये माइंड लाइन में भी बहुत बड़ा एक यहाँ एक तो आइलैंड का ये फॉर्मेशन है और ये आइलैंड का फॉर्मेशन उम्र 22 से 25 के मिड में दिख रहा है और फिर उसके बाद एक जो है डबल लाइन चलने लग रही है प्रोग्रेस लाइन के साथ में। तो ये जो पीरियड रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, पेनफुल और इस समय सर दर्द भी बहुत ज़्यादा जो है रहने के चांसेस, माइग्रेन का प्रॉब्लम या सर पे चोट लगने के योग भी बनते हैं। दूसरा बात यह है कि 28 के एज के बाद से ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है तो अच्छे खासे डिसीजन लेने के योगों को भी दर्शाता है क्योंकि उसके जस्ट बाद में एक ट्रायंगल का साइन बना हुआ है और ये उम्र हो जाएगा 31 और 34 के मिड में। तो इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग करने के योग जो है मजबूत हैं। फिर आगे चलकर माइंड लाइन स्ट्रांग गया हुआ है और ये बीच में जो ये रेखा होती है ये किसी न किसी वे में पढ़ाई या कोई भी काम अधूरा जरूर छुड़वाता है। और वहीं देखें तो माइंड लाइन आपकी स्ट्रांग है, स्ट्रांग मीन्स यहाँ लॉन्ग भी है और ऊपर से एकदम स्ट्रेट भी है, तो तमाम तरह के प्रेशर या ट्रबल इजीली एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम होते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर भी सेम केस है, अगर ये सपोर्टिव लाइन नहीं होता तो हेल्थ रिगार्डिंग बहुत इश्यूज आपको रहते हैं क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है वो डबल लाइन के साथ चल रही है जो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज और ट्रबल देखने को डेफिनेटली मिलता है लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन है इसका काम ही यही है कि लाइफ में स्ट्रेस बर्डन कम करना, इसलिए इसने हेल्थ भी अच्छा रखा है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जो ट्रबल या प्रॉब्लम आता है वो भी टल जाता है या किसी भी प्रकार का बाधा कष्ट आता है तो किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली किसी भी लेवल पे, तो उससे भी स्ट्रेस बर्डन्स कम होते हैं। इसीलिए लाइफ लाइन स्टेबल आगे चल के चल रहा है, ऊपर से प्रोग्रेस लाइन और बायफोर्क के साइंस भी अवेलेबल है
तो ये ट्रैवलिंग अच्छा कराते हैं और सेल्फ मेड लक है ही, तो खुद के एफर्ट्स मेहनत इनिशिएटिव के द्वारा भी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। शुक्र से कनेक्टेड हो गई है लाइफ लाइन तो अंततः वापस अपने होम टाउन पर जाने के चांसेस आपके रहेंगे। और वहीं यहाँ पर मंगल की रेखा की भी अवेलेबिलिटी है, तो ये प्रॉपर्टी अच्छा देती है। अगर ये छोटा मोटा भी तिल है तो ये तिल थोड़ा सही नहीं होता है, ये रिलेशन में ट्रबल डेफिनेटली देता ही देता है। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। और शुक्र आपका डेवलप परफेक्ट है, जो लग्जरियस लाइफ का सबसे मेन कारक है। ये बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण एम्बिशियस नेचर, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर देखने को मिलता है। हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण ही रॉयल्टी व गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं। लग्जरियस लाइफ के ऊपर और स्टेटस के ऊपर खर्चे आपके ज़्यादा होने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो आड़ी रेखा अनवांटेड टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज को दर्शा रहा है, तो सीधी खड़ी रेखा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शा रहा है लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। तो ऐसा शुक्र तमाम तरह के जो शौक अनुमान है वो कंप्लीट करके देता है, इसीलिए ये हेल्थ भी अच्छी दे रहा है, उम्र भी अच्छी दे रहा है और अच्छा खासा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के योगों को भी बतला रहा है। केतु के ऊपर हल्का सा फिश सिंबल है, लेकिन इसको इतना कन्फर्म नहीं किया जाएगा अभी। इस प्रकार का साइन जब भी बनता है तो ये यात्राओं का सौभाग्य बढ़ाता है, सडन प्रोग्रेस देता है लाइफ में। अभी तो फिलहाल मनी ट्रायंगल ओपन ही है तो पैसा तो जीवन में ठीक रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन वहीं बात करें लेफ्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो लेफ्ट पाम है वो वी सिंबल के साथ में फेट लाइन इसकी रन कर रही है, सेल्फ मेड लक लाइन है। और बस यही है कि यहाँ पर सैटर्न पर आकर के रुक रही है रेखा हार्ट लाइन पर ही, तो इसलिए थोड़ा मूड स्विंग के ऊपर काम करना है, बाकी और कोई भी फर्दर ट्रबल या प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला है। और सपोर्टिव लाइन निरंतर लाइफ में है, तो इसीलिए हमेशा सहयोग किसी न किसी का मिलते रहेगा, तो इतना कोई लाइफ पेनफुल या स्ट्रेसफुल नहीं है। तो यह थी सब महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।